Ready for the next contestant. Yay! मित्रों, मैं आज आपके लिए एक बहुत ही बुरी खबर लेकर के आया। आपको निराशा होगी, तकलीफ होगी, लेकिन आपको सहन भी करना होगा। कल रात 8 बजे, घबराइए नहीं, कुछ कुछ बदलने वाला नहीं है। कल रात 8 बजे मैं टीवी देख रहा था, 9:30 बजे ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल में, 나이라 और कार्तिक का झगड़ा हो गया भाई। नायरा जी ने खोए के लड्डू बनाए थे और भाइयों बहनों, मित्रों, कार्तिक वो लड्डू बिना खाए ही सो गया भाई। क्या खोए के लड्डू बनाने में मेहनत नहीं लगती है क्या? मैं 125 करोड़ देशवासियों से जवाब चाहता। क्या कार्तिक को लड्डू खाने चाहिए कि नहीं खाने चाहिए थे? मैं आपसे जवाब चाहता हूँ, खाने चाहिए कि नहीं खाने चाहिए थे? अक्षय जी, खाने चाहिए कि नहीं खाने चाहिए थे? खाने चाहिए जी, खाने चाहिए। लेकिन भाइयों बहनों, हम पर इल्जाम लगते हैं। कोई कहता है, देखिए देखिए भैया, भैया आपके जमाने में जो गाने आते हैं वो भैया बहुत बुरे गाने आते हैं, और भैया हमारे जमाने में गाने आए थे वो संस्कारी गाने थे। आपके जमाने में गाना आता है लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, ये क्या है, ये क्या है भैया, हमें बताइए। भाइयों बहनों, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, मैं जरा इनसे जवाब चाहता हूं भाइयों, क्या अगर किसी के छूने से 440 वोल्ट की बिजली उत्पन्न होती है तो इसमें घाटा है क्या? भाइयों बहनों, इसी प्रकार से हम बिजली उत्पन्न करेंगे। मैं बचपन में ट्रेन में चाय बेचता था, मैंने एक सज्जन को चाय दी, चाय का गिलास पकड़ते ही बोले, देखिए देखिए भैया, भैया ना इसमें चीनी है ना भैया पानी है, भैया ये क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है। मैंने कहा, कप खाली है, अभी चाय कहाँ डाली है। जुमले बनते रहते हैं। अभी एक गाना आया था, बेबी को बेस पसंद है। बेबी को बेस पसंद है मित्रों, बेबी को बेस पसंद होगा, लेकिन हमें तो कृषि कल्याण शेष पसंद है, और उससे भी पहले हमें यह देश पसंद है। भाइयों बहनों, वंदे वंदे वंदे।